नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13, क्योंकि इसके पहले हम लोग 12 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट किसके हैं? लेखपाल मैथ की प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम पहला क्वेश्चन लेके आए हैं डीआई का क्वेश्चन। डीआई का क्वेश्चन कम से कम 3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो चलते हैं सीधे हम लोग डीआई का क्वेश्चन देखने। ठीक, डीआई के पहले हम फिगर को बता देते हैं। जो फिगर ड्रा किया गया है इसमें देखिए, एक इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्स बोलते हैं, इसको वाई एक्स बोलते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष पे क्या दिया है? B1, B2, B3, B4, B5, B6 दिया हुआ है। ये कौन सी है? शाखाएं हैं 2019 की, जो नीले में है, ठीक, वो 2019 की है। जो ग्रीन में है वो 2020 की है। वहीं पे जो वाई अक्ष पे है वो 10, 20, 30 दिया हुआ है, वो बिक्री है, किसमें है? हजार में है। तो इसी पे डिपेंड 3 क्वेश्चन है, कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शाखा B2 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का शाखा B4 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री से अनुपात होगा, यानी B2 और B4 की बात कर रहा है। B2 और B4 की बात कर रहा है, और दोनों वर्ष का यानी 2019 और 20 दोनों का अनुपात पूछ रहा है। सीधे सीधे अनुपात पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम? इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना होगा? 7 7 14, नहीं, 7 6 13 1 14 है। यानी पहला है 140, जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यानी 75। देखिए यहाँ पे 75 है और प्लस 65 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 140 आएगा। वहीं पे बी का भी दोनों वर्षों का, ठीक है, जोड़ लेंगे तो दोनों का कितना दिया है? यहाँ देखिए 85 प्लस 95, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 8 7 16, 8 7 कितना हो जाएगा, सॉरी 9 8 17 17 1 18, यानी 180 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो, अब देखिए यहीं पे इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 7 14 2 9 18, 7 9, यानी पहले का आंसर कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, 7 9 का अनुपात होगा। चलते हैं वहीं पे दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है शाखा B6 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री, शाखा B3 के दोनों वर्षों की कुल बिक्री का यक्स प्रतिशत है, तो यक्स का मान क्या होगा? B6 अब B3 को ले रहे हैं, B6 और B3 को ले रहे हैं, और क्या कह रहा है? दोनों वर्षों की, तो दोनों वर्षों का हम ले लेते हैं, ठीक है, तो B4 है तो B4 का दोनों को जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पे देखिए ये ध्यान देने वाला है कि क्या क्या लेना है। देखिए B6 और B3, तो B3 का क्या है? दोनों को हम जोड़ेंगे, यहाँ देखिए दोनों को जोड़ेंगे कितना है? 110 है और 95 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए? 5 205 आएगा। दूसरा है 205, जब अनुपात पूछ देता है तो हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए इनका B6 के दोनों वर्षों का दिया है, उसको जोड़ लेंगे तो 80 है और 70 है, यानी 80 प्लस 70, तो कितना हो जाएगा? 8 7 15 150 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कह रहा है लास्ट में देखिए, B3 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का, तो जब जिसके साथ कुल बिक्री का दिया रहेगा, ठीक है, तो क्या करेंगे हम? उसी का एक्स प्रतिशत निकालेंगे, तो किसका? B3 का दिया, तो B3 यही था ना, 205। ये देखिए 205 जोड़ने पाया था, इसी का एक्स बटन क्या कर देते हैं? 100 कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या करिए, गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 5 6 को 20, 5 1 5 5 2 10, ये एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब देखिए ये 41x है ना, यहाँ पे देखिए चलिए कर देते हैं अपॉन 20, तो अब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 150 × 20/41, यही है ना, ठीक। अब क्या करेंगे, इनका गुणा कर लीजिए, तो 15 2 30, 2 0 है 41, तो जब इसको साल्व करेंगे तो कितना आएगा? इसका साल्व करेंगे तो आएगा, कर लेते हैं क्या करना है ऐसे करके, 41 तो 7 बार में लेके जाइए, 7 1 7 7 2 28, तो यहाँ 3 यहाँ 1, ठीक। अब फिर 0 तो कितना बार आएगा? 7 4 3 12, 3 तीन कने 3 3 4 12, कितना हो जाएगा? 7.0 पड़ेगा। अब कितने बार? एक बार 41, तो कहने का मतलब कितना आएगा? 43 सही, सॉरी 43.17% आएगा। ऐसे आप क्या करेंगे? साल कर लेंगे, ये क्या है? दूसरे का आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। चलते हैं तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या कह रहा है?
तीसरा कह रहा है सभी शाखाओं की वर्ष 2019 में औसत बिक्री क्या होगा, 2019 की बात कर रहा है ये सभी वर्षों का, तो इसको 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 जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ लेते हैं, एक है तीसरा है 80, 75, 95, 85, 75, 70। अब इन सबको जोड़ लेंगे क्योंकि औसत कह रहा है ना, तो औसत निकालने क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जितनी संख्या उससे भाग देते हैं, तो जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो 6 8 48, यानी 80 क्या होगा इसका औसत आएगा, यही क्या है आपका आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्मी बहुत भीषण पड़ रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19 है, तो ए का मान होगा। ठीक है, क्या दिया है, देखिए दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19, और दिया है दो धन पूर्णांक है, तो पहला धन पूर्णांक मान लेते हैं, पहला धन पूर्णांक ए है, ठीक है, दूसरा क्या है, बी है। ठीक, अब देखिए अब हम क्या करते हैं ना, ए को अब देखिए 19 है, तो 19 को हम क्या कर देते हैं, 10 और 9 में तोड़ लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब 19 जो है इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, आ रहा समझ में, तो वही यहाँ पे तो ए क्या हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम जानते हैं ठीक कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी क्वेश्चन में ए माइनस बी, यही होता है ना। ठीक है, अब देखिए इसके जगह पे 19 यहाँ इधर रख दिए, रख दिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कितना माने हैं 10, बी 9, यहाँ पे 10 9 19 अल्टू कितना हो जाएगा, 19 गुणा 1, तो 19 बराबर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यानी जो धन पूर्णांक होंगे तो क्या होगा, ए होगा, ए कितना होगा, 10 ही होगा, क्योंकि ये इसको हल कर रहा है, और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, आ रहा समझ में, तो आंसर क्या है, ए का मान पूछ रहा है, ए का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, कोई वस्तु है उसको बेचा जा रहा है, बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये 100 है। ठीक, आ उसका विक्रय मूल्य के 25% लाभ हो रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है, 25 हो रहा है, तो ये बताइए अगर विक्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया है और लाभ उसका 25 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो कितना में खरीदा होगा, कितना खरीदा होगा, क्रय मूल्य, अरे लाभ कब हुआ होगा, जब वो खरीदा होगा कम में, बेचा होगा अधिक में, आ रहा समझ में, तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 25, यानी 75 रुपये में खरीदा है, 75 रुपये में खरीद के आज जब 100 रुपया में बेचा है, तभी तो लाभ 25 हुआ है, लाभ वैसे ही होता है कि बेचा ज़्यादा जाता है खरीदा कम जाता है, तो लाभ हो गया ये। अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो क्या करेंगे लाभ प्रतिशत में, बताइए 25 बटे क्या कर देंगे, 75, क्योंकि लाभ है ये लाभ और क्रय मूल्य हमेशा नीचे लिखा जाता है, 75 हो जाएगा, 100 25 75, अब क्या करेंगे, 3 3 का 9, 3 3 का 9, तो 33 सही, 1/3%, यही क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक साइकिल को 2850 में बेचने से एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है, यदि लाभ करके 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो हम मान लेते हैं क्या है, विक्रय मूल्य एक्स है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम बताए थे आपको ट्रिक क्या था, देखिए विक्रय मूल्य बराबर एक्स गुणे बताए थे हम 30% बटे प्रथम प्रतिशत, इसी पे रख देना है, जो बाद का प्रतिशत है उसको यहाँ लिखेंगे, अब जो शुरू का है उसको यहाँ रखेंगे, तो कितना एक्स का कितना है 2850, 2850 रुपये में बेच रहा है, 2850 गुणे अधिक कितना है 8% लाभ ही है, लाभ ही है, तो क्या हो जाएगा 108, अब
प्रथम को कितना है लाभ 14% यानी 114। ठीक, इसको हम क्या करते हैं काट लेते हैं। देखिए 2 5 10, 2 4 8, ठीक है 2 5 10, 2 7 14। ठीक, अब देखिए इसको इससे काटेंगे कितने बार जाएगा, हमारे देखने से 5 बार जाएगा, 7 5 35, 5 बार। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो कितना होगा बताइए, 1 0 ऑलरेडी पहले से रहेगा, 4 5 20 का 0 हासिल 2, ठीक है ठीक है, अब 5 5 25 2 27, यानी इतना क्या होगा मूल्य होगा। ठीक, आ रहा समझ में, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो इसके लिए हम क्या बताए थे कि इस तरह का क्वेश्चन हो तो 50% कम कह रहा है ना, 50% ये 50% दिया है, आय कम है तो 100 में से हम अगर 50 घटाएंगे यहाँ देखिए तो क्या होगा, 50 ही तो आएगा, गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 50/50 गुणे 100, 50/50 कट जाएगा कितना आएगा 100%, इसका आंसर कितना आएगा 100% आएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है निम्न आंकड़ों के लिए माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध बताइए। ठीक, अब इसके लिए जो संख्या दिया है उसको लिख लेते हैं, संख्या कौन कौन सा दिया है, दिया देखिए -3 -2 0 2 3 5 5 5 7 8 9 10। ठीक है, तो इसमें संबंध पूछ रहा है माध्य का, माध्यिका और बहुलक का। तो देखिए क्या करना होगा, हम जानते हैं माध्य के लिए क्या करना पड़ता है, सभी संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्या होगी उससे भाग देंगे, यही ना करते थे। देखिए जैसे माध्य निकालना है सिग्मा एक्स अपान एन कर देते थे, एन क्या होता है पूरी संख्या, देखिए कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है कुल संख्या, तो हम 12 से क्या करते भाग कर देते पूरे को जोड़ के, ये हो गया माध्य हो गया। दूसरा कह रहा है माध्यिका, तो माध्यिका के लिए हम क्या करते थे, ठीक है माध्यिका के लिए क्या करते थे हम लोग कि दी हुई संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लेते थे या अवरोही क्रम में लिख लेते थे, यहाँ पे संख्या दिया ही है आरोही क्रम में, आरोही क्रम में दिया है, तब हम क्या करेंगे देखेंगे कि संख्या कितनी है टोटल, तो 12 है तो 12 क्या है आपका सम है, यही देखते करो तो सम है, तो क्या करते थे अब देखिए 5 5 क्या करेंगे छोड़ देंगे 1 2 3 4 5, ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये कर दिए। ठीक है, अब बीच का मान मिल गया दो संख्या, तो इसको हम क्या कर देते हैं दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते थे, कितना था 10/2 2 2 5 10, यानी 5 माध्यिका आ रहा है उसी में। अब पूछ रहा है बहुलक, बहुलक भी ज्ञात करेंगे तभी तो तीनों का संबंध पता चलेगा। देखिए अब देखते थे बहुलक कौन सी संख्या की आवृत्ति हो रही है, यानी कौन सी संख्या अधिक बार आई हुई है, तो इसमें देखिए 5 जो है वो 3 बार आया है, तो बहुलक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिए बहुलक और माध्यिका दोनों बराबर है ना, तो देखिए हम लिख लेते हैं माध्यिका बराबर बहुलक, ये दोनों बराबर हो गया और माध्य भी दिया है। देखिए जब हम माध्य निकालेंगे तो देखिएगा माध्य बराबर नहीं होगा, इन सब के बराबर नहीं होगा, यानी माध्य का अलग मान होगा इन सब का तो सेम होगा। देखिए सेम यहाँ पे आ गया था, ऐसे आप निकाल लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज माध्यिकाओं का संगामी बिंदु होता है तो क्या होता है वृत्त केंद्र होता है, ये बता चुके हैं। ठीक, अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माना ए तथा बी दो व्यंजक है जिनमें जिनके लसव और मसव क्रमशः ए तथा बी है, यदि ए प्लस बी और ए प्लस बी एक ही स्मॉल में है एक कैपिटल में है हो तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पहला व्यंजक लिख लेते हैं ए, दूसरा व्यंजक बी है, ये है ठीक है, और कह रहा है लसव तथा मसव, देखिए लसव दिया है ए और मसव दिया है बी, तो कह रहा है कि यदि ए प्लस बी इजकल टू ए प्लस बी हो, यानी ए प्लस बी इजकल टू ए प्लस बी हो, ठीक तो हो तो ऑप्शन दिया है चार्ट हो तो देखते हैं कौन सा आएगा। देखिए ऐसे दिया हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इन दोनों का वर्ग कर लेंगे, क्योंकि इसका मान दिया इसी का कह रहा हो तो
ठीक। तो देखिए हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये इधर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक ये हमको मिल गया। अब क्या करेंगे, ए बी के जगह पे ए बी कैपिटल कर देंगे, आ रहा समझ में, ठीक। अब चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू है ना, ए बी के जगह क्या कर देंगे, ए बी कर देंगे इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यही। अब देखिए टू ए बी दोनों साइड में है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यही क्या निकल के आ रहा है, आंसर आ रहा है, ठीक है। हमारे कहने का मतलब कि जो फोर्थ ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो के मूल होंगे, चार ऑप्शन दिया है, चलिए पहले इसको कर लेते हैं। दिया है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो इसका मूल पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका गुणनखंड कर लेंगे, इतना गुणनखंड करेंगे उसको जोड़ने चाहे घटाने पर इसके बीच का मान आ जाए, तो दो तीन क्या कर देते हैं छः। अब देखिए अब इनका क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो फाइव ही आ जाएगा, आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री कर देते हैं, चाहे टू प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बाहर की माइनस अंदर की चीज क्या हो जाएगा, बदल जाएगा थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब पेयर बना लीजिए, एक्स यहाँ से निकलेगा एक्स माइनस टू, माइनस यहाँ से क्या निकलेगा, दोनों में से थ्री निकलेगा, तो एक्स बाहर का चिन्ह माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा यानी जीरो। तो अब देखिए कॉमन है तो एक्स माइनस टू आज जो बच गया उसको लिख लेंगे एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब देखिए अब क्या करेंगे, अगर इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर इसको ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा। पाने का मतलब जो मान आ रहा है ठीक है वो तो वास्तविक आ रहा है, देखिए दोनों मान क्या आ रहा है, वास्तविक आ रहा है लेकिन सेम नहीं आ रहा है, समान नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है असमान आ रहा है, ये दो और ये तीन आ रहा है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बी सही होगा। ओके चलिए अब चलते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड होंगे, दिया हुआ है, क्या दिया है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स वाई, ये अंदर दिया है तो वो नहीं होगा। अब इसका गुणनखंड कह रहा है तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसको देख लेते हैं कौन सा सूत्र पे है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए क्वेश्चन में ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक। इसका क्या होता है, इसका होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा टू एक्स वाई, ठीक है इसका हो गया। और इसका क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी, ठीक है इन पे होता है। अब इनका इन्हीं का गुणनखंड करना है तो आप क्या करोगे, गुणनखंड करके सॉल्व कर लोगे, ठीक। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, ठीक है बी इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिश कीजिएगा आ जाएगा, ठीक है नहीं तो फिर हम बता देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि थ्री कोष्टक में फोर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इजकल टू फोर एक्स प्लस फाइव हो तो क्या होगा, देखिए दिया है थ्री फोर माइनस एक्स फोर एक्स प्लस फाइव, इसी को कह रहा है सॉल्व कीजिए, ठीक। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसको अंदर गुणा कर लीजिए, तीन चौको बारह, ये तीन है ये चार है, तीन चौको बारह थ्री एक्स ये फोर एक्स प्लस फाइव। अब क्या करेंगे, ट्वेल्व है अब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस फाइव प्लस में है, ठीक है ये फोर एक्स है ये माइनस है तो इधर जाएगा क्या प्लस हो जाएगा थ्री एक्स, तो ये क्या हो जाएगा सेवन, इधर क्या जाएगा सेवन एक्स, तो सेवन अपन सेवन कितना जाएगा एक्स हो जाएगा, कट गया यानी वन एक्स है ये आरा समझिए, तो क्या है हो जाएगा इसका वन, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है तो आप ऐसे ही लगाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुरेश तथा संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं, सुरेश ने पांच माह के लिए 5,000 तथा संदीप ने 6 माह के लिए 6,000 व्यवसाय में लगाए, वर्ष के अंत में 610 रुपये के कुल लाभ में से संदीप को कितना मिलेगा, तो कौन कौन है, सुरेश और संदीप है, लिख लेते हैं सुरेश और संदीप, कितना कितना लगाए हैं, सुरेश लगाए हैं 5,000
ठीक है 5,000, और संदीप कितना लगाया है 6,000, ठीक है। ये कितने कितने महीने के लिए लगाए हैं, 5 महीने के लिए, और ये कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहीं पे इसको काट लीजिए, 3 ये इधर भी, तो 25 समझ रहे, 6×36 ये हो गया। अब कह रहा है कि 610 अंत में बचता है, तो उसमें संदीप को कितना लाभ मिलेगा, तो संदीप कौन है, ये है ना 36, तो 36 और प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक। तो कितना आएगा जोड़ने पर, 61 आएगा। अरे भाई 25 + 36 61, और गुणे कितना अंत में बचा है 610, तो इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 360 रुपये, यानी संदीप को 360 रुपये मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्मी तो इतना पड़ रहा है दिमाग खराब हो गया है, ठीक है। तो हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है डाटा का परास होगा, परास पूछ रहा है रेंज, ठीक है। तो पहले संख्या लिख लेते हैं, संख्या क्या है 32, 45, 16, 28, 79, 34, 29, 54 और 48, तो इसका परास पूछ रहा है, परास मीन्स रेंज, ठीक। तो इसके लिए क्या करते हैं, परास निकालने के लिए जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसमें से सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे, रेंज आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या लग रहा है आपको, 69, 69 कर दिया, सबसे छोटी 16 घटा दीजिए 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 5, ठीक है। यानी 53 क्या होगा इसका रेंज होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बारंबार बारंबार आने वाला मान होगा, तो बहुलक होता है, बहुलक में तो कोई संख्या बार बार आता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC में O लंब केंद्र है, सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, ये है ए, ये बी और ये सी, ठीक है। कह रहा है लंब केंद्र ओ है, यानी लंब तो पड़ेगा सामने वाले कोण से, शीर्ष कोण से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब, ठीक। देखिए यहाँ से भी लंब पड़ रहा है, इसी को तो लंब कहेंगे, यानी शीर्ष कोण से सम्मुख भुजा पे डाला गया लंब, ये क्या कहलाता है, लंब रेखा कहलाता है। और वो कितने अंश का कोण बनाएगा सामने वाली भुजा पे, 90 का, ये भी 90, ये भी 90, और ये ओ है, ओ लंब केंद्र। कह रहा है और कोण बी ओ सी 80 डिग्री है, ठीक है। कोण बी ओ सी कितना है, 80 डिग्री है, तो पूछ किसका रहा है, कोण बी ए सी का पूछ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसका मान दिया हुआ है, कितना दिया है 80 दिया टोटल, और इसका मान निकालना है, तो किसका मान निकालना, कोण बी ए सी। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका निकालने के लिए कह रहा है, तो देखिए त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो 180 को हमने लिख दिया, और जो केंद्र पे बना कोण होगा, यानी ये जो कोण है इस त्रिभुज का, उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। आ रहा समझ में, 180 होता है, ये 180 आ गया, और ये यहाँ पे दिया हुआ है कोण ओ का मान 80 दिया, तो घटा देंगे कितना होगा, 100 डिग्री होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के एक कोने में एक बकरी 7 मीटर लंबी एक रस्सी से बंधी है, वह कुल कितने क्षेत्रफल में घास चर सकती है, वर्गाकार क्षेत्र है, ठीक है। वर्ग बना लेते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, और इसके एक कोने में, ठीक है। आ देखिए यही वर्गाकार है ना, तो सब 12 12 है, एक भुजा का 12 तो चारों 12 12 होगा, मीटर में है, आई हो क्या आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कह रहा है एक बकरी को वर्गाकार क्षेत्र के एक कोने में, तो हमारे ये कोना देख लेते हैं, कोने में एक बकरी 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है, यानी एक बकरी है 7 सेंटीमीटर की रस्सी से, यानी 7 सेंटीमीटर रस्सी से बंधी हुई है, ठीक है। बंधी है, वह कुल कितने क्षेत्रफल में घास चर सकती है, यानी ये कह रहा है कि ये पूरा, इसका मान पूछ रहा है कितना चढ़ सकती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई बकरी है, बरतकार खेत है, उसके कोने में बांध दिया गया है, ठीक है, खुट्टा हुआ चाहे कुछ भी से बांधा गया हो, और उसकी रस्सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है 7 सेंटीमीटर है, तो कितना ये क्षेत्रफल चढ़ सकती है, मतलब इसका मान निकालने के लिए होता है, ठीक है। तो चढ़ सकती है, देखिए इसमें दिया है कहाँ गया, क्षेत्रफल में घास चढ़ सकती है, क्षेत्र ऐसे चरा गया क्षेत्रफल लिख लीजिए, चरा गया
क्षेत्रफल किसके द्वारा? बकरी के द्वारा, बकरी के द्वारा चला गया क्षेत्रफल। देखिए ये पूरा चार कोना है ना, और चार कोने में एक कोने पे बांधी गई है। तो हम जब कभी हिस्सा लगाते हैं, चार में से एक हिस्सा लेते हैं, तो क्या लिखते हैं हम? वन अपान फोर। आ रहा समझ में? ये हो गया, एक कोने की बात होगी तो इसका मतलब वन अपान फोर होगा इन टू। अब ये क्या बन रहा है? वृत्त बन रहा ना, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। भाई ये वृत्त है ना, वृत्त का एक त्रिज्यखंड है, चाप है, तो उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वन अपान फोर इंटू वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो वन बाई फोर इंटू 22/7 गुणे त्रिज्या। ये आर क्या, ये जो रस्सी है ये क्या है आपका? आर है। तो आर की जगह पर 7 गुणे 7 कर देंगे। आरा समझ में? 7 7 कट गया, 2 2 4 ग्यारह सत्य 77 बट्टे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10, यानी इतना क्या होगा? वर्ग मीटर होगा। बकरिया जो बांधी गई है कोने में, वो वर्ग का खेत का इतना वर्ग क्षेत्र वर्ग मीटर क्या करेगी? चलेगी। ठीक है, सब मीटर मीटर में है, ये सेंटीमीटर नहीं है, मीटर में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर है, तो उसके कर्ण की लंबाई बताइए। तो देखिए, जब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया होगा और कर्ण पूछेगा, तो उसका एक फार्मूला होता है, उसको याद कर लीजिए। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए समकोण कह रहा है, जब समकोण समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया होगा, तो उसका वो सूत्र होता है क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर बटे 4। ठीक है, तो क्षेत्रफल देखिए कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 200, तो 200 यहाँ लिख दीजिए। अब कर्ण हमको ज्ञात करना है, ठीक है, आइए 4 है, तो अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 200 × 4 = कर्ण का स्क्वायर ये वन। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 800 कर्ण का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा 800 कर्ण का, कर्ण केवल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, कितना होगा? अंडर रूट 20 × 20 × 2 बराबर कर्ण। तो इसमें देखिए ये दोनों क्या है, पेयर बन जा रहा है, तो इसको 2 है, तो इसको 20 को बाहर निकाल लेते हैं, अंडर रूट 2 = कर्ण। ठीक है, कहने का मतलब कर्ण बराबर क्या आएगा? 20 √2 इसमें दिया था ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर पे जाएगा। यही क्या है आपका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वही बहुलक माध्यमादिका का संबंध पूछ रहा था। हम बताए थे आपको, क्या बताए थे? बहुलक जब तीनों दिया हो, तीनों का संबंध पूछ रहा हो, तो बहुलक बराबर क्या होता है? 3 × माध्यिका -2 × माध्य, यही संबंध होता है इसका। कभी कभार डायरेक्टली पूछ लेता है, कभी कभी इस पर सवाल होता है, माध्यिका दिया रहेगा और बहुलक दिया रहेगा, माध्य पूछेगा, तो इसी पर आप क्या निकालोगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्मी तो बहुत पड़ रही है, देख के आपको पता भी चल रहा होगा, तो क्या किया जाए? पेपर नज़दीक है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, गर्मी हो या चाहे बारिश हो, तो ये कंटिन्यू चालू रहेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कह रहा है, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है, तो हम क्या बताइए? चक्री चतुर्भुज हो या चाहे चतुर्भुज हो, चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है, सिंपल सा दिया है। ठीक, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट कह रहा है, अधोलिखित चित्र में भुजा ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः एफ डी ई है, तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, देखिए दिया है, क्या दिया है? कोई त्रिभुज है ए बी सी, कह रहा है ए बी का मध्य, बी सी का मध्य और ए सी का मध्य। ठीक है, दोनों का मध्य क्रमशः क्या है? डी ई और एफ है। ठीक है, इसको तो ऐसे कर लीजिए, दिया है, तो कह रहा है डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी पूछ रहा है डी ई एफ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, इसका तो हम क्या करते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए, देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे पूरी संख्या कितनी है। अरे पूरा त्रिभुज है,
बड़ा, देखिए त्रिभुज ए बी सी, ये पूरा ए बी सी है, उसमें से एक त्रिभुज को हम ले रहे हैं, कौन सा, डी ई एफ पूछ रहा है उसी का ना। तो हम क्या करेंगे, गिन लेंगे 1 2 3 4, पूरा चार त्रिभुज बन रहा है, चार में क्या है एक हम ले रहे हैं। तो वही पीछे वाला बताए थे, जब चार में से एक लेते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 1/4 × ठीक है पूरे का, तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्टली पूछ लिया है तो आप क्या करोगे, इसे ही लगाओगे। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि ए बी सी का मान दिया रहेगा, इस टोटल का क्षेत्रफल दिया रहेगा, ठीक है त्रिभुज का ये क्षेत्रफल ही होता है, ए बी सी का क्षेत्रफल ही देते हैं, ठीक, तो क्षेत्रफल दिया रहेगा, इसका मान बीच वाले पूछ लेगा, आप ऐसे निकालोगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 मीटर × 20 मीटर का मैदान के बीच में गड्ढे गड़े खंभे से एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी में बंधी है, मैदान का इतना प्रतिशत क्षेत्रफल गाय की पहुंच से परे है। अब बताइए, वहां पे वर्ग था कि एक कोने में खूंटी में बांधा गया था, यहाँ पर एक आयताकार, चलिए आयताकार बना लिए, ए बी सी डी, ठीक है, इसके बीच में कह रहा है कि एक खूंटी खंभा, एक खंभा क्या है गड़ा हुआ है, उसमें एक गाय को 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। तो ये 7 मीटर लंबी रस्सी, अरे समझ में, 7 मीटर रस्सी है तो ये क्या करेगी, ऐसे चलेगी, अरे समझ में। अब देखिए ये क्या है, ये रस्सी है, कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 7 मीटर है। अच्छा, इस वृत्त के लिए ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और देखिए ये भी कितना है, लंबाई कितना 15 मीटर और चौड़ाई कितना है 20 मीटर, ठीक, इसमें ये भी हो सकता है, देखिए लंबाई में भी ये लंबाई है ना, तो ज़्यादा हो सकेगा 20 और ये चौड़ाई है तो कम होगा, यानी ये 15 होगा, आरा समझ में। देखिए हो सकता है ये जो 15 है, त्रिज्या कितना है, तो ये 7 है, जो रस्सी ये 7 है, तो ये पूरा इसको छुएगी नहीं छुएगी, क्योंकि ये 15 है, ठीक है, तो 15 का बटे क्या होता है 2, यानी 7.5 अगर रहता तब तो इसको छूता, आरा समझ में, कहने का मतलब ये छुआ नहीं है, इतना ही पे है ये, ठीक है, इधर भी वैसे ही है, आरा समझ में, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कह रहा है कि जितना तो ये रस्सी से बधी है उतना तो चढ़ जाएगी गाय, जो है वो चढ़ जाएगी, तब तो करिए कितना, मतलब कितना और क्षेत्र है जो चढ़ नहीं पाएगी, यानी बच जाएगा, पहुंच नहीं पाएगी, इन सब के, इन सब का मान पूछ रहा है, आ रहा समझ में, किसका मान पूछ रहा है, जहां तक गाय नहीं पहुंच पाएगी, यानी इसका, इन सब का मान। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, ये पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, आ रहा समझ में, उसके बाद ये वृत्त के जैसे बन रही संरचना उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, आरा समझ में, उसके बाद क्या करेंगे, इन क्षेत्रफल में से ए बी सी डी जो आयत का क्षेत्रफल है उसमें से हम इस क्षेत्रफल को निकाल देंगे, और निकाल देंगे तो अब क्या होगा, ये जो बचा है इसका नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, चलिए क्या करते हैं, लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या हो जाएगा, 15 × 20, अरे ऐसे दिख लीजिएगा, लंबाई से 20 है तो हमको क्या करना, गुणा करेंगे ऐसे वैसे भी तो भी जाके उतना ही आंसर आएगा, 300 क्या होगा वर्ग मीटर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो चरा गया है ये कितने हैं, चरा गया भाग का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22/7, 7 है त्रिज्या, 7 × 7 ऐसे कर दीजिए, जब इनको हम साफ करें कितना होगा, 154 क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, आ रहा समझ में। अब देखिए यहाँ अगर पूछता कि कितना भाग नहीं चढ़ पाई है तो ठीक था, घटा देते तो हम लोग आ जाता, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत में पूछ रहा है, कितना प्रतिशत क्षेत्रफल, प्रतिशत क्षेत्रफल की बात कर रहा है कि गाय के पहुँच से बाहर है, तो क्या हो जाएगा प्रतिशत क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बचा हुआ ऐसे लिख लीजिए, बचा हुआ प्रतिशत क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्या हम करते हैं 300 में से इसको घटा देंगे, यानी ये पूरा है आयत का क्षेत्रफल कितना आया था 300, माइनस इसका क्षेत्रफल कितना आया है 154, यहाँ पान क्या कर देंगे
300 भाई इसी पे तो निकल रहा है, आयत का क्षेत्रफल पे ही ना, तो ये हो गया प्रतिशत में पूछा तो गुणा कर देते हैं। अब 300 बटे कितना हो जाएगा, सॉरी 300 में से 154 जाएगा कितना होगा, 146 बचेगा। ठीक, अब 300 कर देते हैं गुणे 100, इसे काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या आएगा, 3 चौको 12, 3 8 24। ठीक है, तो कितना बच जाएगा, 2/3, यानी आंसर जो आएगा 48 सही 2/3% आएगा। यही क्या है आपका आंसर है, कहने का मतलब इतना प्रतिशत क्षेत्रफल गाय नहीं चर पाएगी, गाय द्वारा नहीं चरा जा सकता है। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आ गया होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।